हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अटैक ऑन अवेंजर्स के सिक्स पार्ट में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं, जब स्क्रीम से फाइट हो रही होती है तो वुल्वरिन वेनम सिम्बियोट से इन्फेक्टेड हो जाता है। उसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं और वो स्क्रीम को तो हरा देता है, बट उसकी लड़ाई हो जाती है खुद के साथियों के साथ, जो ये चाहते है कि उसके उस सिम्बियोट को उससे अलग किया जाए, नहीं तो वो वुल्वरिन पे कब्जा कर लेगा। बट इसी बीच वहाँ रेड स्कल आ जाता है, जो सभी अवेंजर्स को खुद खत्म करना चाहता है। वो यहाँ स्पाइडी कहता है, अभी अगर मेरे पास मेरी स्पाइडी सेंस होती तो वो चिल्ला रही होती। तो कैप्टन अमेरिका भी कहते हैं, अपना ध्यान बनाए रखो, अभी फाइट खत्म नहीं हुई। तो यहाँ टोनी भी फ्राइडे को कहता है, ब्लैक पैंथर कब तक आएगा, बट उसका सही से जवाब नहीं आता। तो टोनी कहता है, मैं ये मान लेता हूँ कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। तो कैप्टन मार्वल उसको कहती है, हमें बैकअप के भरोसे नहीं बैठना चाहिए टोनी, हमें रेड स्कल को खुद से रोकना होगा। तो तभी रेड स्कल उनको कहता है, यहाँ चींटियों का झुंड बूट के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लगा है, ये देखने में तो अच्छा है बट मुझे दया आती है, हमने तुम सबकी शक्तियों को छीन लिया और हमारे बनाए हुए सिम्बियोट ने वुल्वरिन पे कब्जा किया है और मुझे अभी रियलिटी जेम का टुकड़ा मिल चुका है, तो इसलिए मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा, उन सबको खत्म कर दो। तो वो सभी मिलके अवेंजर्स पे अटैक करते हैं। कैप्टन अमेरिका भी कहते हैं, अटैक? तो यहाँ स्पाइडी कहता है, मुझे पता है तुम असली वाले ग्रीन गोब्लिन नहीं हो, बट मुझे ये तुम्हारी बाजू अच्छी लगी। तो गोब्लिन उस पे हमला करते हुए कहता है, ये मजाक का टाइम नहीं है वेबहेड, ये टाइम है तुम्हारे खत्म होने का। और वो स्पाइडी पे बॉम्ब फेंकता है। तो यहाँ लोकी टोनी को कहता है, तो हमारा सामना हो गया टोनी, तुम गॉड ऑफ मिसचीफ से लड़ने वाले हो। तो टोनी उसको कहता है, तुम्हारी ये चाले अभी काम नहीं आने वाली, तुम एक कॉपी की भी कॉपी हो, तुम मेरे सामने एक स्पीड बम्प के जैसे हो। तो लोकी उसको कहता है, पहले तो हम एक छाया के जैसे थे, बट अभी स्कल ने हमारी शक्तियों को बढ़ा दिया है, हम अभी कुछ भी कर सकते हैं। अभी फ्राइडे का मैसेज आता है टोनी को, उसका सूट कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो यहाँ कैप्टन अमेरिका भी अल्ट्रॉन को कहते हैं, मैं तुम्हें कहता कि हार मान लो, बट मैं देख सकता हूँ कि उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो वो कैप्टन अमेरिका को कहता है, चलो तुमने काफी कुछ सीख लिया, चलो अभी मैं तुम्हें कुछ और भी सिखाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि टोनी की टेक्नोलॉजी कितनी वीक है, मैं तुम्हें उस रियलिटी जेम की शक्ति दिखाता हूँ जो मेरे अंदर है। तो यहाँ कैप्टन मार्वल और वुल्वरिन का सामना होता है। तो वो कैप्टन मार्वल को कहता है, तुम्हें मेरे सामने नहीं आना चाहिए था, अभी मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाना होगा। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं, ये तो फनी है, मैं भी तुम्हें यही कहने वाली थी। और वो लोगन पे हमला कर देती हैं। वो कहती हैं, लोगन तुम अभी भी वहाँ हो तो मुझे माफ करना। तो लोगन कहता है, हाँ तुम्हें माफी तो मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें काट के रख दूंगा और तुम्हारे दिल की दावत खाऊंगा। तो यहाँ स्कल कहता है, ये इन्फिनाइट मिरर के टुकड़े मुझे पावर देते हैं, कुछ भी बनाने की और तबाह करने की, ये तो उससे भी ज्यादा है, मेरी एक सोच के साथ सब कुछ मेरे सामने झुक जाएगा, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, चाहे वो कोई सेना हो या कोई जीव, सबसे पहले मैं जापान को जीतूंगा और उसके बाद पूरे वर्ल्ड को, जो रेड स्कल का किंगडम है वो यहीं से शुरू होगा। अभी वहाँ टिचाला उस पे हमला करते हुए कहते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो स्कल कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सेकंड टाइम पकड़ पाओगे, एक झटके में तुम्हारे आर्मर की शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, इस रियलिटी जेम की शक्तियों के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तो टिचाला कहते हैं, मुझे किसी का डर नहीं है। तो स्कल कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता पागल, तुम वैसे भी खत्म होने वाले हो। तो टिचाला कहते हैं, उन टुकड़ों की शक्तियों की भी कोई लिमिट है। तो स्कल कहता है, ये कैसे हो सकता है। तो टिचाला उसको कहते हैं, जो इन्फिनिटी स्टोन है वो विल पावर पे जवाब देते हैं, उसकी कॉस्मिक एनर्जी को शेप मिलती है तुम्हारे एम्बिशन की गहराई से, या उसको गिराया जा सकता है मेरी इंटेंसिटी से। तो मैं तुम्हें आसान भाषा में बताता हूँ, तुम्हारी इच्छा मुझे खत्म करने की वीक है, बट मेरी इच्छा तुम्हें हराने की और जीने की ज्यादा है। वो स्कल कहता है, तुम्हारी इच्छा तो मजबूत हो सकती है, बट मेरा माइंड ज्यादा मजबूत है, तुम खत्म होने वाले हो। ये हम दोनों के बीच में होता तो मैं मान भी लेता, बट मैं अकेला नहीं हूँ, जब हम असेंबल होते हैं तो हमारी वजह सच्ची बन जाती है, हम किसी भी दुश्मन से लड़ सकते हैं जिसके सामने कोई और शायद टिक भी ना पाए, क्योंकि एक साथ हम और भी ज्यादा मजबूत बनते हैं। अभी वहाँ धमाका होता है, हम देखते हैं कि लोकी गोब्लिन और अल्ट्रॉन भी खत्म होने लगते हैं। यहाँ लोगन भी चिल्लाता है। तो कैप्टन मार्वल उसको कहती हैं, लोगन मुझे तुम्हें रोकने के लिए ऐसा करना पड़ा। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, तुमने अच्छा काम किया। तो यहाँ पे टिचाला कहते हैं, अभी मुझे इस रियलिटी के टुकड़े को होल्ड करना होगा। तो टोनी कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इसको संभाल लूंगा। और वो उसको पकड़ लेता है। अभी वो चिल्लाने लगता है, उसको कुछ होने
लगता है। तो स्कल कहता है, तुम ओवर कॉन्फिडेंट पागल हो, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम इसकी शक्ति को संभाल पाओ। तो कैप्टन अमेरिका टोनी को कहते हैं, टोनी उसको छोड़ दो। तो टिचाला भी कहते हैं, ये कोई मामूली शक्ति नहीं है, ये तो रियलिटी का टुकड़ा है। तो टोनी कहता है, तुमने सही कहा टिचाला, ये तो रियलिटी है और वो भी मेरी है। मैं जो भी सोचता हूँ मैं उसको बना सकता हूँ, मैं एक अच्छा वर्ल्ड बना सकता हूँ, मैं सबको बचा सकता हूँ, सभी लोग मुझे पूजेंगे। नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा है, बट मैं इसको सही करूंगा ताकि ये सब दोबारा ना हो। अभी वहाँ आसमान में धमाका होता है, तो यहाँ सबकी शक्तियाँ वापस आ चुकी हैं, कैप्टन मार्वल की, लॉगन की। लॉगन कहता है, मेरा हीलिंग फैक्टर वापस आ गया। तो यहाँ कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, वांडा, जोनी और क्लोसस की शक्तियाँ वापस आ गई हैं। तो यहाँ सनफायर का मैसेज आता है टोनी को, वो कहता है, टोनी क्या तुम वहाँ हो? तो वो कहता है, हाँ, क्या सिचुएशन है? तो वो टोनी को बताता है, मैं यहाँ टोक्यो में हूँ जापान की सेना के साथ, हम स्कल की सेना के साथ लड़ रहे थे बट तभी उन्होंने हार मान ली, क्या तुम्हें पता है ये कैसे हुआ? तो टोनी कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब हम इसका जश्न मनाएंगे। तो यहाँ कैप्टन अमेरिका टोनी को कहते हैं, तो उन टुकड़ों का क्या हुआ? तो टोनी कहता है, वो अभी जा चुके हैं, मैंने उनको भाप बना दिया अपने आयरन अवेंजर पावर सूट के साथ। तो कैप्टन कहते हैं, कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा कि हमें तुम्हारे साथ भी लड़ना पड़ेगा। तो टोनी कहता है, हाँ मुझे पता है, मुझे लालच तो आया बट मैंने उसको जाने दिया क्योंकि मैं उसके साथ काफी कुछ अच्छा कर लेता बट उसके साथ काफी तबाही भी आती। तो कैप्टन कहते हैं, हम इस वर्ल्ड को अच्छा बना सकते हैं एक साथ और वो भी असेंबल होके। तो टोनी कहता है, सही कहा। तो यहाँ हम देखते हैं एक सैनिक अपने ऑफिसर को कहता है, हमने यहाँ सभी को घेर लिया है। तो वो कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ अच्छे से देख लो, कोई भी बचना नहीं चाहिए, जैसे कि हमें कहा गया है कि सभी खतरनाक चीजों को तबाह करना है, तो कुछ भी किसी के गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रोफेसर कुरीचा भाग निकलता है, वो कहता है कि रेड स्कल के शासन का तो अंत हो गया बट ये मिशन चलता रहेगा, अपने कार्नेज की तो अभी शुरुआत हुई है। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उसके पास कार्नेज सिम्बियोट है। तो गाइस, इसी के साथ इसका एंड होता है, हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।